सोलो लेवलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमें देखने मिलता है कि जिनवो फाइनली जाकर आइस लेयर्स के बॉस को मार गिराता है और अभी बारी था घर वापस जाना। इसके बाद हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है। अभी रात के यहाँ पर 3 बज चुके थे। इसके बाद तब डंजन के अंदर एक हफ्ता बीत चुका था। मिस्टर आहान यहाँ पर बाइक यूनहो को कहते हैं, सर क्या आप आज के लिए वापस जाना चाहते हैं? हम लोग यहाँ पर रुक के रखवाली करेंगे। बाइक यूनहो कहता है, आखिरकार ऐसे हालत में मैं घर वापस कैसे जा सकता हूँ जब मेरे गिल मेंबर्स ऐसे मुसीबत में हो। बाइक यूनहो जब ये सब बात कर ही रहा था तभी अचानक से यहाँ पर रेड गेट ओपन होने लगता है। सभी में यहाँ पर हलचल मच जाता है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर गेट के अंदर से कुछ हंटर्स बाहर निकल रहे हैं। बाइक यूनहो यहाँ पर मणिमट कहते हैं, इसका मतलब किमचुन ने डंजन क्लियर कर दिया है। लेकिन इसके बाद जैसे यहाँ पर हंटर्स बाहर आते हैं सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन मिस्टर आहान अपने मणिमन कहते हैं, मैंने जैसा सोचा था। अभी सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिरकार किमचुन कहाँ पर गया है? क्योंकि जिन 4 मेंबर्स ने यहाँ पर सरवाइव किया है सभी यहाँ पर लो रैंक के हंटर्स है। बाइक यूनहो यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। बाइक यूनहो पूछता है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ बी रैंक के हंटर डंजन से बाहर निकल पाए, यहाँ तक कि एक भी ए रैंक हंटर डंजन से जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार डंजन के अंदर हुआ क्या था? जिनवो और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर बाइक यूनहो जिनहो को रोक लेता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिनहो यहाँ पर अपने कंधे से बाइक यूनहो का हाथ उठाता है और कहता है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने गिल मेंबर्स को पूछिए। जिनहो का साहस देख कर यहाँ पर बाइक यूनहो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद बाइक यूनहो और भी कस के जिनहो के कंधे को पकड़ता है और कहता है, मेरा नाम बाइक यूनहो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल का लीडर हूँ। हम लोगों ने अभी अभी बहुत सारे हाई रैंकिंग हंटर्स को खोए, तो एक गिल मास्टर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ जानना है। जिनहो यहाँ पर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने एटलीस्ट आपके 3 हंटर्स का जान बचाया, तो एक गिल मास्टर होने के नाते आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था। वो दोनों ही एक दूसरे के आंखों की तरफ घूरते जाते हैं। लेकिन इसके बाद बाइक यूनहो अपना हाथ हटाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ा बेचैन हो गया था। इसके बाद जिनहो और वो लड़की वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनहो वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर मिस पार्क जो लड़की जिनहो के पार्टी में थी उस लड़की से यहाँ पर बाइक यूनहो को सवाल पूछता है। बाइक यूनहो पूछता है, मिस पार्क आखिरकार वो कैसा आदमी है? वो लड़की कहती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो शुरू से ही ऐसा था। उसने अकेले के दम पे बॉस को हराया। उन दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत सुनकर मिस्टर आहान वहाँ पर आते हैं। मिस्टर आहान कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, वो असल में कोई बुरा आदमी नहीं है, शायद डंजन के अंदर थकने की वजह से उसका मूड खराब है। बाइक यूनहो कहते हैं, अभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अभी तक उसको रिक्रूट क्यों नहीं किया? बाइक यूनहो यहाँ पर मणिमन कहते हैं, एक इस रैंक के हंटर के सामने खड़े होने के बावजूद भी वो मेरे सामने बिना डरे खड़ा हुआ था, उसे अपने गिल का हिस्सा बनाने के लिए मैं एक हाथ और पैर भी दे सकता हूँ। बाइक यूनहो यहाँ पर मिस्टर आहान को कहते हैं, किसी भी कीमत में मुझे वो अपने गिल पे चाहिए, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके बाद हमें जिनहो के पास ले जाया जाता है। जिनहो यहाँ पर सॉन्ग ये के साथ घर वापस जा रहा था। इसके बाद हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखने मिलता है। जिनहो ने यहाँ पर आई सेल्फ के लीडर को मारने के बाद उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जिनहो तीनों के तीनों बार फेल हो चुका था। जिनहो यहाँ पर मणिमन कहता है, शायद हमारे ताकत के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जिनहो यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन में तो नाकामयाब हो गया था, लेकिन यहाँ पर जिनहो को एक डैगर मिल गया था। ये डैगर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल का था। ये डैगर था ए रैंक का और इस डैगर को जो भी यूज करेगा वो उसके यूजर के वेट को घटा देगा। उसके साथ साथ इस डैगर के अंदर अटैक और एजिलिटी बर्ब्स भी है। जिनहो इसके बाद सॉन्ग ए को अपने घर पे छोड़ता है। जाने से पहले वो लड़की कहती है, हे जिनहो, तुमने अभी तक जो जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक यहाँ पर सॉन्गी जिनहो को मिस्टर कह के बुला रही थी। अचानक से यहाँ पर जिनहो सुनकर जिनहो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो लड़की कहती है, ठीक है अभी मैं चलती हूँ, कल हम लोग मिलेंगे। सॉन्गी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से भाग कर चली जाती है। जिनहो देखता है यहाँ पर रात के 3:50 हुए थे। जिनहो प्लान करते हैं कि वो नेक्स्ट दिन सुबह से एक बार फिर से जिनहो के साथ डंजन रेड्स पे जाएगा। इसके बाद देखते देखते सुबह हो जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर जिनहो अपने चमकीले आर्मर पहनकर जिनहो के घर पे आता है। जिनहो उसके आउटफिट को देखकर कहता है, क्या तुम टैक्सी में ये पहनकर यहाँ तक आए? वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें रास्ते में उठाऊंगा। जिनहो कहता है, नहीं सर, आप हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी मदद करूं। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से डंजन रेड की तरफ चलने लगते हैं। जिनहो यहाँ पर यू जिनहो को रास्ते से सॉन्ग ये को उठाने के लिए कहता है। सॉन्ग ये का नाम सुनकर यहाँ पर जिनहो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है,
ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? वो उस लड़की का नाम के साथ साथ उसका फोन नंबर भी जानते हैं? क्या वो लोग एक रिलेशनशिप में है? इसके बाद वो दोनों सॉन्ग ये के अपार्टमेंट पे आकर पहुँचते हैं। जिन्हू यहाँ पर कहता है, वैसे सर क्या अभी से मैं उनको मिस करके बुलाऊ? जिन्हू यहाँ पर कहता है, वो सिर्फ मेरी बहन की एक दोस्त है और कुछ नहीं। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर सॉन्ग ही वहाँ पर तैयार होकर आती है। गाड़ी के अंदर आते ही वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। जिन्हों यहाँ पर पूछते हैं कि कल रात वो सो पाई है या फिर नहीं। सॉन्ग ही कहते हैं कि वो कल रात बिल्कुल भी नहीं सो पाई। जिन्हों कहता है कि कुछ देर के लिए उसका आँख लगे थे। लेकिन ये सब सुनकर यहाँ पर दूसरी तरफ जिन्हों काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिन्हों यहाँ पर मणिमन कहता है, ये सब क्या है? कल रात वो दोनों एक दूसरे से मिले थे और वो दोनों बिल्कुल भी नहीं सो पाए और उसी के साथ साथ थके हुए भी थे और ऊपर से सुबह के 4 बजे वो लोग घर पर पहुंचे। आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या ये सब सर के बहन के दोस्त हैं या फिर कुछ और? लेकिन इसके बाद जिन्हों कहता है, सर मैं सान सॉन्ग ही अभी तक अंडर एज है। जिन्हों यहाँ पर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जिन्हों को यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्हों कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो अपने मन मन कहता है, जो भी हो वो बिल्कुल आम लड़के तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूँ। इसके बाद जिन्हों इस मामले को यही पर ही भूल कर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें सीधे डंजन पे ले जाया जाता है। जिन्हू और जिन्हू वो दोनों यहाँ पर डंजन पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे क्योंकि जिन्हू के शेडो से यहाँ पर सारे काम अकेले कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्हू कहता है, वैसे सर ये सब आखिरकार है क्या? क्योंकि जिन्हू ने यहाँ पर जिन्हू के शेडोज को पहली बार देखा था तो जिन्हू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिन्हू कहता है, तुम इसको मेरा एक स्किल कह सकते हो? जिन्हू कहता है, आपके पास ऐसा एक स्किल है जो शेडोज को समन करते हैं? जिन्हू कहता है, हाँ ये बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन जो भी हो ये लोग बहुत ही काम की चीज है, वो लोग डंजन के काम को अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जिन्हू ये सुनकर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। जिन्हू कहता है, सर क्या मैं एटलीस्ट एक एसेंस स्टोन कलेक्ट कर सकता हूँ? जिन्हू कहता है, क्यों क्या हो गया? जिन्हू कहता है, बस मैं ये सोच रहा था, मैं लड़ाई में तो काम का नहीं था और मैं अभी तक सिर्फ एसेंस स्टोन कलेक्ट करता था, लेकिन अभी वो काम भी मेरे हाथ से चला गया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नाकारा हो चुका हूँ। जिन्हू यहाँ पर मुस्कुरा के अपने मन ही मन कहता है, ये लड़का सच में बहुत ही अजीब है, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ मेरा लास्ट रेड है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिन्हू इसके बाद कहता है, ठीक है तुम ले सकते हो। जिन्हू इसके बाद जिन्हू को शुक्रिया कहता है। इसके एक दिन बाद जिन्हू ने यहाँ पर जिन्हू को जो 19 रेड का यहाँ पर डील किया था वो डील यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें सीधे यूएसए के एक ए रैंक के डंजन में ले जाया जाता है जहाँ पर जेम्स नाम का एक ए रैंक का एडवेंचर डंजन के अंदर एक इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। और सिर्फ यही तक नहीं, उस इंसान ने अपने अकेले के दम पे उसके सारे पार्टी मेंबर्स को मार गिराया था। उसे लगने लगता है कि ये कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने मन ही मन कहता है, मुझे लगा था कि डंजन के अंदर कुछ गड़बड़ है। डंजन के अंदर एंटर करने के बाद से हम लोगों ने एक भी मैजिकल बीस्ट को नहीं देखा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि डंजन के अंदर ऐसा कोई होगा। जो मैंने इसके पास से आ रहा है वो ए रैंक के डंजन से बाहर है और मैंने ऐसे बीस्ट के बारे में कभी भी नहीं सुना। आखिरकार ये आदमी है कौन? वो बंदा यहाँ पर धीरे धीरे जेम्स नाम के एडवेंचर के पास आने लगता है। वो एडवेंचर यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन इसके बाद वो बंदा कहता है, तुम मेरे कानों पे दर्द कर रहे हो और आज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त अभी तक मरे नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं। अगर तुमने अपने स्क्वाड के साथ मेरे ऊपर हमला नहीं किया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। मैं कब से कह रहा था कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा था तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे समझा? मैं कोरियन हूँ और मुझे घर वापस जाना है। इसके बाद एक बार फिर से हमें जिन्हू और जिन्हू के पास ले जाया जाता है क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर रेड का टारगेट कम्प्लीट हो गया था। तो यहाँ पर जिन्हू को रेस्टोरेंट पे खाने के लिए लेकर आया था। जिन्हू यहाँ पर पूछता है, अभी तुम आगे क्या करने वाले हो? जिन्हू कहता है कि वो आगे जाकर गिल मास्टर बनने का रिटर्न एग्जाम लेगा और इसके साथ साथ उसके फादर के साथ सब कुछ मामला सुलझाएगा। जिन्हू अपने मन ही मन कहता है, मैंने सर के साथ जो प्रॉमिस किया था वो भी मुझे सोचना होगा। जिन्हू अपने मन ही मन कहता है, 30 बिलियन पैसे से मेरा जिंदगी और भी आसान हो जाएगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट है लेवल अप करना, यानी कि ये सिर्फ एक बोनस होगा। मैंने यहाँ पर अपना गोल ऑलरेडी हासिल कर लिया है, तो अभी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता। हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर जिन्हू का लेवल 61 हो चुका था। जिन्हू यहाँ पर अपने हाथ में डेमन कैसल का चाबी लेकर उसके बारे में सोच रहा था। जिन्हू यहाँ पर पूछता है, वैसे सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जिन्हू इसके बाद कहता है, तुम कुछ टाइम तक मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं पर जाना है। इसके बाद जिन्हू एक पेक लगा कर कहता है, सर मैं जानता हूँ कि मैं इतने दिन तक आपके लिए एक सर दर्द था, लेकिन मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा।
जिन्हों को भी यहाँ पर जिन्हों के बारे में थोड़ा बुरा महसूस होता है, तो जिन्हों यहाँ पर जिन्हों के साथ चीजें क्लियर करने के लिए कहता है, जिन्हों मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिन्हों कहता है, मेरे बड़े भाई और मेरे बीच 10 साल का फर्क है और वो मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं करता और हम लोगों ने एक साथ उतने वक्त भी नहीं बिताए, जबकि आपने बहुत बार मेरा जिंदगी बचाया और मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए आपने मेरी मदद भी की। आप मेरे भाई से बढ़कर हो। ये सुनकर यहाँ पर जिन्हों की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। जिन्हों इसके बाद कहता है, ठीक है, क्योंकि तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। ये सुनकर यहाँ पर जिन्हों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिन्हों यहाँ पर कहता है, सर क्या मैं आपसे एक बार गले मिल सकता हूँ। जिन्हों यहाँ पर ऐसे ही नशे की हालत में रोने लगता है। तभी अचानक से यहाँ पर जिन्हों को न्यूज में एक रिपोर्ट सुनने मिलता है जो रिसेंटली होने वाले हादसे के बारे में थे। सभी जगह यहाँ पर खबर पहुंच गया था कि व्हाइट टाइगर गिल के एक डंजन में सिर्फ लो रैंक के हंटर बाहर निकल पाए थे और सारे हाई रैंकिंग के हंटर्स डंजन के अंदर ही मारे गए थे। सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर बाइक यूनो के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन बाइक यूनो इसे एक्सीडेंट का नाम देकर इस मैटर को यही पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमें सीधे व्हाइट टाइगर गिल के लीडर के पास ले जाया जाता है। बाइक यूनो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, तभी अचानक से उसे मिन बियुंग का कॉल आ जाता है जो अभी जापान में था। बाइक यूनो पूछता है, अभी तुम जापान में क्या कर रहे हो। मिन बियुंग के पास यहाँ पर बहुत ही बड़ा खबर था। वो यहाँ पर बाइक यूनो को कहता है, कुछ दिन पहले यहाँ पर जापान से किसी ने कोरिया के हंटर एसोसिएशन को कॉल किया था। बाइक यूनो कहता है, किसके बारे में। मिन बियुंग कहता है, तुम विश्वास नहीं करोगे लेकिन ये जेजू आइलैंड के बारे में था। जेजू आइलैंड का नाम सुनकर यहाँ पर बाइक यूनो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेजू आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर 4 साल पहले एक डंजन गेट ओपन हुआ था और ये गेट कोई आम गेट नहीं था, ये गेट था इस रैंक का। 4 साल पहले इसे क्लियर करने की कोशिश किया गया था लेकिन कोरियन गवर्नमेंट इसमें फेल हो गए और उन्हें इस आइलैंड के ऊपर से गिव अप करना पड़ा। और अभी 4 साल बाद अभी भी वहाँ पर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर है। हमें यहाँ पर जाने मिलता है कि 4 साल पहले के रेड में मिन बियुंग और बाइक यूनो लगभग यहाँ पर मरने के कागार पे थे, लेकिन इसके बाद मिन बियुंग कहता है, कुछ देर पहले ये नजर किया गया कि उन एंट्स ने एक बार फिर से म्यूटेशन किया है और अभी वो एंट्स अपग्रेड हो चुके हैं और वो लोग उड़ के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। और उन इवॉल्विंग एंट्स में से एक का बॉडी हाल ही फिलहाल में जापान के एक समुद्र के पास पाया गया है, जहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि उस एंट के पेट में पंख उग चुके हैं, यानी कि वो एंट्स अभी इवॉल्व हो रहे हैं। और ये खबर सुनने के बाद बाइक यूनो का होश उड़ जाता है। इसके बाद हमें सीधे जिन्हों के घर पे ले जाया जाता है। जिन्हों यहाँ पर अपना बैग पैक करके कहीं पर जा रहा था। जिन्हा पूछती है, तुम आजकल बहुत बाहर जा रहे हो और अभी तुम एक ट्रिप पे जाने वाले हो। जिन्हों कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जिन्हा कहती है, तुम किसको अपने साथ लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। जिन्हों कहता है, नहीं मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। जिन्हों इसके बाद वही सेम लोकेशन पे जाता है। पिछली बार जिन्हों जब यहाँ पर आया था, जिन्हों का लेवल तभी 20 के आसपास था और अभी जिन्हों का लेवल पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुके हैं, तो अभी जिन्हों को चीजें संभालने में थोड़ी आसानी होगी। जिन्हों फिर से उस डंजन गेट के सामने जाता है और इसके बाद उस चाबी की मदद से उस कैसल का दरवाजा खोलता है। जिन्हों दरवाजे से एंटर करता है लेकिन जिन्हों देखते हैं कि हॉलवे में एक भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी जिन्हों के सामने यहाँ पर पॉपअप आता है जहाँ पर जिन्हों के सामने एक रेगुलर क्वेस्ट आता है और इस क्वेस्ट में जिन्हों को 10,000 डेमन सोल्स कलेक्ट करने होंगे। रिवर्ड्स भी यहाँ पर बहुत ही कमाल के थे। इस क्वेस्ट को कम्प्लीट करने से जिन्हों स्टोर से कोई भी आइटम फ्री में खरीद सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जिन्हों को 20 स्टैट पॉइंट और आखिर में जिन्हों को मिलने वाला था एक सीक्रेट गिफ्ट। जिन्हों को अच्छी तरीके से पता था कि स्टोर में बहुत सारे महंगे महंगे चीजें हैं, तो जिन्हों इस क्वेस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जिन्हों ये समझ जाता है क्योंकि इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो इसका मतलब ये क्वेस्ट भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। जिन्हों के सामने एक और दरवाजा आता है। जिन्हों जैसे यहाँ पर दरवाजा खोलता है, जिन्हों की आँख खुले के खुले रह जाते हैं। जिन्हों अपने आँखों के सामने एक शहर देखता है जिस शहर में यहाँ पर चारों तरफ आग लगे हुए थे। जिन्हों ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। जिन्हों कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसे एक फील्ड टाइप के डंजन के अंदर आ जाऊंगा। क्या ये डंजन सच में सोल का रेप्लिका है। मुझे 10,000 डेमन सोल्स कलेक्ट करने होंगे, तो इसका मतलब इस कैसल के अंदर 10,000 से भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट होंगे। मैंने सभी को कहा कि मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसे एक हफ्ते में खत्म नहीं कर पाऊंगा। जिन्हों के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमन्स के ढेर आ जाते हैं। जिन्हों अपने बैग को नीचे रखता है और अपने डैगर लेकर सीधे डेमन्स के ऊपर हमला बोल देता है। वो डेमन भी यहाँ पर रोर करते हुए जिन्हों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जिन्हों अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करके एक के बाद एक डेमन्स का सर काटते जाता है। जिन्हों कहता है, तो लगता है मेरा मेहनत बर्बाद नहीं गया। इसके बाद हमें यू जिन्हू के पास ले जाया जाता है। जिन्हों यहाँ पर पूरी तैयारी से आया था। जिन्हों यहाँ पर अपने साथ अपना लाइसेंस और अपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी लाया था जो वो अपने फादर को दिखाता है। जिन्हू कहता है,
फादर, जैसे कि आपको पता ही है कि किसी अजनबी को गिल्ड मास्टर बनाना बहुत ही रिस्की काम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में एक बार सोचें। जिन्हो के फादर कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। इसके बाद एक बंदा वहाँ पर आता है। जिन्हो के फादर कहते हैं, इनका नाम गो मियुंग वन है और ये एक हंटर है। ये व्हाइट टाइगर गिल के एक मेंबर है जो रिसेंटली होने वाले डंजन इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। जिन्हों के फादर यहाँ पर हाल ही फिलहाल में होने वाले रेड गेट इंसिडेंट के बारे में कह रहे थे जिसमें जिन्हों इन्वॉल्व था। इसके बाद वो बंदा कहता है कि उस दिन रेड गेट के इंसिडेंट में एक लड़की के साथ साथ संग जिन्हों भी इन्वॉल्व था, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हों काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिन्हों को इसके बाद उस लड़की हंटर का नाम भी पता चलता है और वो बेशक हान सॉन्ग ही थी। वो ये भी कहते हैं कि संग जिन्हों के वजह से वो लोग रेड गेट को बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाए। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, मुझे बाकी का सुनने का कोई जरूरत नहीं है, अभी लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। जिसे जिन्हों के सिगरेट के बारे में पता है, यानी कि मेरे फादर के साथ मेरा निगोशिएशन भी पूरा नहीं होगा। हमें उस बंदे से जानने मिलता है कि व्हाइट टाइगर गिल संग जिन्हों के बारे में इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहते हैं। और तभी उस बंदे को जिन्हों के फादर की तरफ से कॉल आता है। इसके बाद जिन्हों के फादर जिन्हों का भी कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। उन्हें पता लग गया था कि जिन्हों ने अभी तक जिन स्ट्राइक स्क्वाड की मदद से डेंजिन को क्लियर किया था, उन स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर में से संग जिन्हों भी उनमें से एक है। और जिन्हों की कामयाबी के पीछे संग जिन्हों का एक बहुत बड़ा हाथ है। जिन्हों के फादर कहते हैं, मेरे ख्याल से आज तुमने मेरे साथ नेगोशिएशन करने के लिए गलत दिन चुन लिया। जिन्हों यहाँ पर कुछ नहीं कहता। जिन्हों को लगने लगता है कि उसके फादर उसको हरगिज चूज नहीं करेंगे और एक बार फिर से उसके भाई को प्रायोरिटी मिलेगा। जिन्हों के फादर पूछते हैं, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? लेकिन इसके बावजूद भी जिन्हों कहता है, डैड, मैं जानता हूँ कि मेरे पास ये मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गिल मास्टर बनाएं। जिन्हों के फादर कहते हैं, ठीक है फिर। ये सुनकर यहाँ पर जिन्हों काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिन्हों के फादर इसके बाद कहते हैं, मैं तुम्हें गिल मास्टर बनने दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तुम जानते हो कि हम हमारे गिल के लिए इस रैंक के हंटर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी अनजाने आदमी को गिल का लीडरशिप देना ये भी बहुत रिस्की होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम संग जिन्हों को हमारे गिल पे ला पाओगे? जिन्हों अपने मन ही मन कहता है, मैंने इस मौके के लिए बहुत कोशिश की। इसके बाद जिन्हों अपने फादर से कहता है, ठीक है फादर, मैं कोशिश करूंगा। जिन्हों के फादर ने अभी तक दो एस रैंक के हंटर चाहिन और मिन बियोंग को ऑफर दिया था, लेकिन उन दोनों ने ही यहाँ पर ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। चाहिन को जिन्हों के फादर ने ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि चाहिन हंटर्स गिल की वाइस गिल मास्टर है और अगर वो यूजिन गिल ज्वाइन करती है तो उन्होंने वादा किया था कि वो उसे गिल मास्टर बनाएंगे ताकि वो लोग फाइनेंशियली गिल को ग्रो कर सके। और दूसरी तरफ मिन बियोंग पूरी तरीके से ठीक ठाक होने के बाद भी उसने बहुत ही जल्दी अपने हंटर कैरियर से रिटायर ले लिया, लेकिन जिन्हों के फादर ने सोचा था कि अगर वो रिक्वेस्ट करे तो शायद कुछ काम बन सकता है। लेकिन जेजू आइलैंड का रेट फेल होने की वजह से मिन बियोंग ने हंटर कैरियर से रिटायर होने का डिसाइड किया, लेकिन अभी तक जिन्हों के फादर ने हार नहीं माना था। जिन्हों के फादर को यहाँ पर रिसेंटली जेजू आइलैंड के अपडेट के बारे में भी पता था, जहाँ पर एंट मॉन्स्टर जेजू आइलैंड पे अभी इवॉल्व होने लगे थे। वो दोनों यहाँ पर गहरी सोच में पड़े हुए थे। इसके बाद हम एक बार फिर से जिन्हों के पास ले जाया जाता है। जिन्हों ने यहाँ पर डेंजन के अंदर डेमोनिक बीस्ट का ढेर तैयार कर लिया था। जिन्हों ने यहाँ पर 10,000 में से सिर्फ 309 ही डेमन सोल्स अभी तक कलेक्ट किए थे, यानी कि अभी तक जिन्हों को बहुत दूर तक जाना था। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।